बालों को ऐसे कर रही हूँ ना तो वो ऐसे रह रहे, झाड़ू टाइप के छोटे छोटे से हो गए आगे से, तो ये सब डैमेज हुआ। जो मतलब थोड़ी बहुत जो शाइन थी ना मेरे बालों में वो भी मुझे नजर नहीं आ रही है। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। वीडियो के टाइटल से आपको समझ में आ गया होगा कि आज का वीडियो किस पे है। आज मैं रिव्यू कर रही हूँ एक प्रोडक्ट का, वो है मामा अर्थ का अनियन कंडीशनर एंड मामा अर्थ का अनियन शैम्पू। एंड यस, मैं इन दोनों का ही आप लोगों के साथ साथ में ही रिव्यू करने वाली हूँ, एज मैंने दोनों को साथ में अप्लाई किया था। एंड यस, इसके साथ मैंने मामा अर्थ का अनियन ऑयल भी यूज़ किया था, ऑयलिंग की थी उसके बाद ही मैंने शैम्पू किया, इन दोनों चीज़ों को यूज़ किया था। लेकिन यस, मैं उसका रिव्यू आपको थोड़े टाइम बाद में दूंगी, अभी मैं उस प्रोडक्ट को यूज़ कर रही हूँ। लेकिन यस, मुझे लगा कि ये टाइम आ गया है इन दोनों प्रोडक्ट को रिव्यू करने का, क्योंकि इनको मैंने यूज़ आई थिंक 5 to 6 टाइम यूज़ कर लिया है। तो मैंने जब इनको यूज़ किया था उसके बाद में अपना एक्सपीरियंस छोटी छोटी क्लिप्स में दिया था, जब भी मैं यूज़ करती थी, वॉश करती थी और अपना वीडियो कोई शूट करती थी, तो जो मेरे बालों की कंडीशन थी उस टाइम, तो वो मैंने छोटी छोटी क्लिप्स डाल दी थी। तो उन क्लिप्स को भी मैं आपको अच्छे से बताऊंगी कि क्या कैसे कैसे रिजल्ट था मेरा। तो जो भी था गाइस, लाइव है, अच्छे से ऑयलिंग करने के बाद, शैम्पू करने के बाद, कंडीशनर करने के बाद मेरे बालों की क्या हालत हुई है वो मैं आपको आज इस वीडियो में अच्छे से डिटेल बताने वाली हूँ। एक्सपीरियंस तक जाने से पहले कि मेरे बालों की इसने क्या हालत की थी, उससे पहले मैं प्रोडक्ट की डिटेल बताती हूँ अच्छे से कि क्या करते हैं ये। सो गाइज, ये है मामा अर्थ का अनियन कंडीशनर एंड शैम्पू। तो दोनों की पैकिंग आप देख सकते हो सेम सी ही है, मतलब आपको कुछ यूज़ करोगे तो आपको देखना पड़ेगा पहले कि यस दिस इज कंडीशनर एंड शैम्पू, क्योंकि सेम से ही लग रहे हैं ये दोनों प्रोडक्ट। एंड यस, मैं आपको बता दूँ शैम्पू के बारे में, पहले ये है विथ अनियन एंड प्लांट कैरेटिन फॉर हेयर फॉल कंट्रोल, तो ये आपके जो हेयर फॉल की प्रॉब्लम है उसको कंट्रोल करता है। नेक्स्ट ये लिखते हैं पैराबेन एंड SLS फ्री प्रोडक्ट है ये, एज मामा अर्थ के प्रोडक्ट आते हैं पैराबेन एंड सिलिकॉन फ्री प्रोडक्ट्स आते हैं। हाइपो एलर्जेनिक है, मतलब कि टच करोगे, यूज़ करोगे तो ऐसा आपको कोई रिएक्शन नहीं होगा, इससे एलर्जी नहीं होगी। और फॉर ऑल हेयर टाइप्स, लाइक आपके डल हेयर, फिजी हेयर, ऑयली हेयर, ड्राई हेयर, सब के लिए ही ये बेनिफिट्स देता है। एंड यस, दिस इज सल्फेट फ्री शैम्पू। ये क्लेम कर रहे हैं कि आपके बालों को क्लीन करते हैं, नरिशिंग प्रोवाइड करते हैं और आपके हेयर फॉल की कंट्रोल को कम करता है। मोर ओवर आपके रूट्स को भी एक स्ट्रेंथनेस प्रोवाइड करता है। तो नाउ, ये डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड है, फ्री फ्रॉम हार्मफुल केमिकल्स एंड सुटेबल फॉर कलर्ड एंड ट्रीटेड हेयर, मतलब आपके बालों में अगर आपने कोई ट्रीटमेंट करवाया हुआ है या कलरिंग कई भी है आपके बालों में, तो भी ये प्रोडक्ट आप यूज़ कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। तो इसके इंग्रेडिएंट्स आप देख सकते हो, बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट है, लेकिन यस ये हम लोगों को नहीं समझ में आएगा क्योंकि बहुत सारे केमिकल्स के नेम है ये, तो इनको रीड करने से कोई मतलब नहीं है, ये हम लोगों की समझ के बाहर है। एंड यस, डायरेक्शन फॉर यूज़ इन्होंने लिखा है, जैसे कि हम शैम्पू करते हैं वेट हेयर पे अपने स्कैल्प में, फिंगर्स की हेल्प से आपको बहुत जेंटली मसाज करनी है और उसके बाद में आपको वाटर से क्लीन कर लेना है और उसके बाद में आपको इसका कंडीशनर यूज़ करना है। और ये एक टिप दे रहे हैं कि आपको मामा अर्थ का अनियन ऑयल स्कैल्प में मसाज करनी है, कुछ घंटे रखना है और फिर उसके बाद में आपको इसके शैम्पू और कंडीशनर के थ्रू वॉश कर लेना है। तो जो नॉर्मल हम शैम्पू यूज़ करते हैं वही टिप्स है, कोई डिफरेंट नहीं है। नेक्स्ट ये लिखते हैं प्लास्टिक पॉजिटिव, वी रिसाइकल मोर प्लास्टिक देन वी यूज, तो मामा अर्थ की ये चीज़ मुझे अच्छी लगती है पर्सनली। एंड यस, इसकी मैं आपको प्राइसिंग बता दूँ तो ये है 349 और शेल्फ लाइफ है इसकी 2 साल। तो क्वांटिटी है इसकी, यहाँ लिखी है क्वांटिटी 250 ml। तो ये इस प्रोडक्ट की डिटेल है। नेक्स्ट है कंडीशनर, तो कंडीशनर है विथ अनियन एंड कोकोनट। तो यस, जब हम इसको यूज़ करते हैं कंडीशनर को, तो हमको एक कोकोनट की फ्रेग्रेंस आती है, लगता है कि कुछ कोकोनट टाइप का कुछ लगा रहे हैं। एंड फॉर हेयर फॉल कंट्रोल के लिए है ये भी, सेम ये पैराबेन सिलिकॉन फ्री प्रोडक्ट है, हाइपो एलर्जेनिक है एंड फॉर ऑल हेयर टाइप्स है। इसकी क्वान्टिटी भी 250 ml है और प्राइस भी इसकी 349 है सेम। एंड शेल्फ लाइफ भी इसकी सेम है, 2 साल है। यस, ये भी सिलिकॉन फ्री कंडीशनर है, मेक्स हेयर सॉफ्ट एंड स्मूथ एंड डी टेंगल्स हेयर, मतलब आपके बालों में उलझन वगैरह नहीं आएगी जब आप ये कंडीशनर यूज़ करोगे तो। नाउ, ये भी डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड है, फ्री फ्रॉम हार्मफुल केमिकल्स है, सुटेबल फॉर कलर्ड एंड ट्रीटेड हेयर्स। तो कोई भी अगर आपने कलर या ट्रीटमेंट करवाया हुआ है बालों में तो आप इसको यूज़ कर सकते हो। तो यस, इसमें भी बहुत सारे इन्ग्रीडियंट्स लिखे हुए हैं आप देख सकते हो, तो कुछ कुछ कोकोनट ऑयल, स्वीट आलमंड ऑयल, अनियन सीड्स ऑयल, कुछ कुछ हम लोगों को समझ में आएगा, बाकी बहुत
केमिकल्स भी है इसके अंदर। डायरेक्शन फॉर यूज़ ये लिखते हैं कि आपको शैम्पू के बाद एक प्रॉपर अमाउंट में इसको लेके और अपने बालों में मिड लेंथ से लेके नीचे रूट्स तक आपको मसाज करनी है, 2-3 मिनट्स तक इसको रखना है और उसके बाद आप इसको वॉश कर सकते हो। टिप्स के लिए लिखते हैं कि अनियन शैम्पू के थ्रू इसको वॉश कीजिए अपने हेयर्स को और उसके बाद में आप इस कंडीशनर को अप्लाई कीजिए तो आपके बालों में आपके बाल स्ट्रांग होंगे, सॉफ्ट होंगे एक, और जो हेयर फॉल की प्रॉब्लम है वो भी रिड्यूस होगी, मोर ओवर आपके बाल डिटेंगल्स हो जाएंगे। तो बस ये भी सेम प्रोडक्ट है, तो इन दोनों की डिटेल मैं आपको अच्छे से बता दी है और ये दोनों सेम पैकेजिंग में आते हैं। लाइक इस तरह से एक पंप वाला आता है और जब इसको हम लेते हैं अपने, मैं आपको फिंगर्स पे लेके बताती हूँ शैम्पू, तो बहुत ही ट्रांसपेरेंट सा शैम्पू है ये, आप देख सकते हो, तो बहुत जेल टाइप में लग रहा है, ये क्रीमी टेक्सचर नहीं है इसका, जेल टेक्सचर है, यू कैन सी दिस। एंड गाइस मैं आपको इसका कंडीशनर भी लेके बताती हूँ, मेरी एक फिंगर पे ये इसका कंडीशनर है, तो कंडीशनर थोड़ा सा क्रीमी टेक्सचर में है और जो ये शैम्पू है वो थोड़ा सा जेल टेक्सचर में है। दिस इज शैम्पू एंड दिस इज कंडीशनर। तो गाइस इन प्रोडक्ट की डिटेल तो मैंने आपको बता दी, अब मैं आपको बताती हूँ कि ये प्रोडक्ट यूज करने के बाद कैसा रिजल्ट देता है। सो गाइस जो ये क्लेम करते हैं कि ये आपके बालों को क्लीन कर देता है, अच्छे से नरिशमेंट देता है, एज सच मुझे इसका कोई भी इफेक्ट नजर नहीं आया, क्योंकि आपको प्रोडक्ट भी बहुत ज़्यादा लेना पड़ता है, फेदर नहीं आता है, इसको लेने के बाद आपके बालों में बिल्कुल भी झाग नहीं आएंगे। ठीक है मानते हैं सल्फेट फ्री प्रोडक्ट है तो वो झाग नहीं देगा, लेकिन आपके बालों को क्लीन तो करना चाहिए ना। इसको मैंने 1 या 2 बार यूज़ किया, उसके बाद भी मेरे बालों में ऐसा लग रहा था कि बहुत ज़्यादा ऑयल है या अच्छे से क्लियर नहीं हुए हैं मेरे बाल। लेकिन यस वी ऑल नो कि प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करना चाहिए था, इसीलिए मैंने सिर्फ इसको 2 बार ही यूज़ किया, मतलब एट ए टाइम 2 बार ही शैम्पू किया इस बालों से, थर्ड टाइम मेरी हिम्मत नहीं हुई क्योंकि मुझे ज़्यादा प्रोडक्ट यूज़ करना नहीं अच्छा लगता है। मुझे लगा कि ठीक है ऐसा ही लग रहा होगा, क्लीन हो गए होंगे हमारे बाल, लेकिन गाइज बहुत प्रोडक्ट लेना पड़ता है, क्लीन भी नहीं करता है। एंड नेक्स्ट वन इज रिड्यूस हेयर फॉल, जो कि बिल्कुल बहुत ही बड़ा मिथ है, एज सच कोई भी आपके बालों का जो हेयर फॉल है उसको बिल्कुल कंट्रोल नहीं करता है। मैंने इसको 20 डेज तक यूज़ किया है, मतलब मैं ऑल्टरनेट डे शैम्पू करती हूँ, लेकिन मुझे बिल्कुल भी नहीं लगा कि जो हेयर फॉल की प्रॉब्लम है वो मेरी कम हुई है, बिल्कुल भी नहीं लगा। तो जो फर्स्ट 2 दिन थे तो मैंने सिर्फ शैम्पू यूज़ किया, क्योंकि मुझे इसका देखना था कि शैम्पू कैसा, कंडीशनर के बाद तो अच्छे बाल लगते ही हमारे, तो मैंने को सिर्फ 2 बार मैंने सिर्फ शैम्पू यूज़ किया, तो मेरे बाल बहुत ज़्यादा फिजी लग रहे थे, बहुत ही डल लग रहे थे। मतलब मैं आपको क्लिप ऐड करूँगी मेरे बालों की कि क्या हालत थी मेरे बालों की। मैंने कल मामा अर्थ का ऑयल भी यूज़ किया है, शैम्पू भी आज अनियन वाला यूज़ किया था और कंडीशनर भी मैंने वही लगाया है अच्छे से, लेकिन सी द डलनेस ऑफ माय हेयर। कौन बोलेगा कि मैंने कंडीशनर किया है, हेयर वॉश किया, ऐसा लग रहा है कि 2-3 दिन से मैंने अपने बाल वॉश भी नहीं किए हैं। बट यार थोड़ी बहुत तो शाइन रहनी चाहिए ना, मतलब थोड़ी बहुत जो शाइन थी ना मेरे बालों में वो भी मुझे नजर नहीं आ रही है, यू कैन सी यार इतना डलनेस, पता नहीं। हाँ मैंने सीरम नहीं लगाया है, क्योंकि जब तक अगर आप कंडीशनर कर रहे हो, अच्छे से ऑयलिंग कर रहे हो, तो आपको सीरम की क्या जरूरत है, और अगर मैं सीरम लगा भी लूंगी तो मुझे उसका रिजल्ट कैसे पता चलेगा। बट मुझे नहीं लगा यार कोई भी वर्थ है इस प्रोडक्ट का, लेट्स सी मैं 2-3 दिन और ट्राई करूंगी, अभी मैं उसके फाइनल रिजल्ट तक नहीं पहुंचूंगी, अभी मैंने 2 बार ही यूज़ किया है उसको, तो 2-3 बार मैं और अच्छे से यूज़ करके और उसके बाद में मैं आप लोगों को अपडेट दूंगी। सी गाइज आज भी मैंने शैम्पू किया और वॉश किया, लेकिन आप मेरे बाल देख सकते हो कितने ज़्यादा ड्राई लग रहे हैं, मैं आपको कॉम करके दिखाऊंगी तो शायद अच्छे से पता चलेगा आपको, तो सी दिस यू कैन सी। मतलब अगर मैं बालों को ऐसे कर रही हूँ ना तो वो ऐसे रह रहे हैं झाड़ू टाइप के। तो गाइज बस अब इससे ज़्यादा मैं इस प्रोडक्ट को नहीं यूज़ करने वाली हूँ, मामा अर्थ का शैम्पू और कंडीशनर तो मैं डेफिनेटली नहीं यूज़ करने वाली हूँ, लेकिन ऑयलिंग मैं अभी करूँगी थोड़ी टाइम, क्योंकि मुझे कुछ परसेंट लगा है कि हेयरफॉल कम हुआ है, तो ऑयलिंग मैं करूँगी, लेकिन शैम्पू और कंडीशनर मैं इसका बिल्कुल भी अभी यूज़ नहीं करने वाली हूँ, इससे ज़्यादा मैं अपने बालों को डैमेज नहीं कर सकती हूँ। लेकिन गाइज अभी मैंने इसको शैम्पू और कंडीशनर को छोड़ दिया है, अभी मैंने अपना नॉर्मल जो मैं ट्रेसे में यूज़ करती हूँ वही किया, तो आज मेरे बाल मुझे इतने ज़्यादा डल नहीं लग रहे हैं, मतलब बेजान से हो गए थे मेरे बाल इसको यूज़ करने के बाद।
कंडीशनर भी कुछ काम का नहीं है इसका। तो अगर आपके 349, 349 मीन्स आप 700 रुपये दोनों प्रोडक्ट पे खर्च करना कभी मत करना, मेरा एक्सपीरियंस है। मैं इन बॉटल्स को कभी नहीं यूज़ करने वाली हूँ। यस, मेरे हस्बैंड यूज़ कर रहे हैं अभी, वो बोले शायद तुम्हें इफेक्ट नहीं लगा है तो शायद मुझे पड़ जाए, तो वो यूज़ कर रहे हैं, उनको भी एज सच कुछ नहीं लगा। 2-3 बार यूज़ किया उन्होंने, उसके बाद उन्होंने भी छोड़ दिया कि यार जो बाल है वो ही टूट के गिर जाएंगे, रफ हो जाएंगे। तो गाइस मैं आपको लिटरली बोलती हूँ, बिल्कुल भी अच्छे प्रोडक्ट नहीं है, बालों को बहुत ज़्यादा डैमेज करते हैं। मतलब मेरा जो हेयर फॉल होता था ना, उससे पहले, सबको हेयर फॉल होता है, प्रॉब्लम विंटर्स में तो रहती है, तो पहले हेयर फॉल होता था तो मैं ऐसे करती थी तो यहाँ से मेरे बाल निकलते, मतलब रूट से हेयर फॉल हो रहा था। और जब मैंने शैम्पू यूज़ किया इसका, तो मेरा डैमेज बालों का ना यहाँ से हो गया, ऐसे छोटे छोटे से बाल गिर रहे थे मेरे ऐसे पार्टीशन में, इतने इतने से, इतने इतने से। इट मीन्स कि आपके बाल डैमेज हो रहे हैं, आधे आधे होके ऐसे गिर रहे हैं। तो आप देख सकते हो मेरे बाल मतलब अभी ना ऐसे ऐसे हो गए, छोटे छोटे से हो गए आगे से। तो ये सब डैमेज हुआ, जो इनका पार्ट है वो सब डैमेज हो चुका है और बाकी के बाल ऐसे बच गए हैं। तो ये हालत करी है मेरे बालों की। और एंड यस, कंडीशनर तो इसका, मतलब कंडीशनर मुझे लग रहा है ज़्यादा फायदा देता है एज़ कम्पेयर टू शैम्पू। शैम्पू लगाने के बाद आपको क्लीननेस लगती नहीं है कि आपके बालों में झाग आए हैं, साफ हो रहे हैं बाल, लेकिन कंडीशनर आप यूज़ करोगे तो थोड़े थोड़े से झाग आ रहे थे। एंड गाइस, कंडीशनर लगाने के बाद उस टाइम जब आप पानी डालते हो तो आपको सॉफ्टनेस लगती है बालों में कि यार सॉफ्ट हो गए हैं, कंडीशनर तो अच्छा है चलो, लेकिन जब बाल सूखते हैं ना तो वो ही हालत हो जाती है, ऐसे 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 झाड़ू टाइप के बाल हो जाते हैं। तो गाइज मैं आपको बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूंगी कि आप मामा अर्थ के ये दो प्रोडक्ट में से कोई भी परचेज करो। एंड यस, मामा अर्थ का जो ऑयल है वो मैं अभी यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि मुझे लगा कि तीनों प्रोडक्ट को मैंने एक साथ यूज़ किया तो उसका रिव्यू मैं अभी नहीं दूंगी ऑयल का। अभी मैं उसको अच्छे से यूज़ करूंगी, उसके बाद ही मैं आप लोगों को अपना एक्सपीरियंस बताऊंगी कि ऑयल कैसा है इसका। लेकिन यस, दीज टू प्रोडक्ट्स नो, मुझे नहीं पर्सनली अच्छे लगे, मेरे बालों में, मेरी स्कैल्प को नहीं सूट किए। अगर हो सकता है आपके बालों पे इफेक्ट नजर आ जाए, लेकिन यस यस, मेरा एक्सपीरियंस तो है कि इन बॉटल्स में अभी भी है, लेकिन मैं नहीं यूज करने वाली हूँ। सो गाइस, ये था मेरा रिव्यू अबाउट मामा अर्थ अनियन शैम्पू एंड कंडीशनर। मेरा ऑनेस्ट रिव्यू था, मेरा एक्सपीरियंस था, मुझे नहीं अच्छा लगा तो मैंने जो भी था मैंने आप लोगों को अच्छे से बताया है डिटेल में। आई होप आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।